हाँ भाई तो अपना नेक्स्ट रैपिड फायर क्यों एसन टू रिएक्शन जब मैंने एसेंट रिएक्शन लिख दिया ना तो अब मैं क्वेश्चन में कोई भी आपको जो क्वेश्चन पूछूंगा दैट इज रिलेटेड टू एसन टू बाई डिफॉल्ट आपको एस एन टू लेना है जहां पे आपको एसन टू रिएक्शन में जरूरत पड़े है ना चलो गिवन रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ये सब्सटन है इलेक्ट्रोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक तो करेक्ट आंसर क्या होगा सल्फर अटैक किया सीएल निकल गया यानी इट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन है न्यूक्लियोफाइल अटैक किया न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन फॉर्मेशन ऑफ ब्यूटेन नाइट्राइल इज पॉसिबल इन किसमें ब्यूटेन नाइट्राइल बनेगा तो करेक्ट आंसर क्या होगा बना के देखते हैं इसमें साइनाइड का अटैक करेंगे तो ये बन जाएगा इसमें साइनाइड का अटैक करेंगे नो रिएक्शन बिकॉज ओएच माइनस इज ए स्ट्रॉन्ग बेस पुअर लिविंग ग्रुप पुअर और वीक लिविंग ग्रुप बोल सकते हैं ठीक है ना समझे आप सेकेंड में तो रिएक्शन ही नहीं हो रही है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा इसमें आंसर रहेगा हमारा ए बेस्ट न्यूक्लियोफाइल इन डीएमएसओ डीएमएसओ मीन्स पोलर कौन बेस्ट होगा जिसकी चार डेंसिटी ज्यादा होगी ये हम डिस्कस कर चुके हैं क्लास टेस्ट वन में एफ माइनस इज बेटर मोर मोर चार डेंसिटी व्हाट विल बी द फाइनल प्रोडक्ट इन सबसे आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि जब भी एच माइनस दे रखा होगा ना एच माइनस इसके साथ रिएक्ट करेगा और क्या बन जाएगा H2 टू गैस एंड ऑक्साइड है ना फिर ऑक्साइड का अटैक होकर बी आर निकल जाएगा तो यानी ये कौन सा मैकेनिज्म किया हमने SN2. ये विलियमसन सेकेंड स्टेप इज विलियमसन इथर सिंथेसिस तो आंसर क्या आएगा हमारा बी एसिड-बेस फॉलोड बाय विलियमसन विच हाइलोजन विल बी रिप्लेस बाय साइनाइड से साइनाइड में कौन सा हाइलोजन रिप्लेस होगा तो ये बी आर जो है ना यह सीएल विच इज रिप्लेस बाय साइनाइड तो आंसर क्या होगा सीएल क्यों बिकॉज एसपी टू कार्बन विल नॉट अंडर गो एस एन टू यानी यहां डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएंगे नो एस एन टू तो यहां पर होगा एस एन टू इट इज ए वन स्टेप रिएक्शन कौन सी रिएक्शन वन स्टेप SN2 is one step reaction, true or false? Yes, it is true. Order of reaction is 1. reaction In SN2 reaction, it is a first order reaction. False. SN2 is a second order reaction. No rearrangement in this reaction. नो रिजमेंट इन एसेंट रिएक्शन ट्रू और ट्रू बिकॉज इट इज वन स्टेप रिएक्शन नो और फॉल्स अराइल हेलाइड मतलब एरोमेटिक हमने कई बार डिस्कस कर लिया कि एसपी टू कार्बन विल नॉट अंडरगो एसन टू तो क्या होगा ट्रू या फॉल्स ट्रू ऑर्डर ऑफ रिएिविटी होना चाहिए तो ये बीच बीच में कुछ मैंने रेपिड फायर वाले लिए ताकि आप बेसिक क्वेश्चन भी बहुत अच्छे समझ पाओ उसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझ पाओ तो अगर आपने कुछ अटेम्प्ट कर लिया है डन जरूर लिखना और अपने दोस्तों को ये को इसका लिंक शेयर ज़रूर करना और उनके साथ कॉम्पीट करना और उनके साथ डिस्कशन भी करना साथ में ओके थैंक यू